नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजु सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट टू है। ऑपरेटर्स इन पार्ट वन में हमने अरिथमेटिक एंड द रिलेटिव ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। और हाँ, अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल्स के आने वाले लेक्चर्स के अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेटिव ऑपरेटर का कुछ रिविजन देख लेते हैं, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने की कोशिश करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर हु परफॉर्म द मैथमेटिकली ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड द डिविजन। हियर वी कैन से दैट हियर 5 एंड 2 आर द अवर ऑपरेंड एंड द प्लस साइन इज द अवर ऑपरेशन, और वी कैन से दैट वी ऑपरेट, वी डू द ऑपरेशन ऑन द टू ऑपरेंड 5 प्लस 2। सिमिलरली हियर वी डू द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन द टू ऑपरेंड 5 एंड 2। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 5 और 2 के यूजिंग द मल्टीपल साइन स्टार। यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर में खास आपको ये याद रखना है कि हमारा जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगा, हमारी रिमाइंडर होगी। जैसे कि हमने बात की थी, अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, रिमाइंडर हमारी क्या रहेगी, 1। तो यहाँ में हमारा आउटपुट इज ए रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो वैल्यू बचती है वो हमें मिलती है। नाउ एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमें क्या देता है, जो भी हमारा ऑपरेंड है उसकी हमें रेस्ट टू पावर देती है। जैसे कि यहाँ हमारा है 5 ∬ 2, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट क्या मिलेगा, 5 ∬ 2, तो आउटपुट हमारा 5 × 5 मीन्स 25। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में हमें कोसेंट पार्ट मिलता है, मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद होता है वो रिमूव हो जाता है और उसके पहले का पार्ट होता है वो हमें मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं 5/2, तो हमारा 2.5 है, तो हमारा कोसेंट पार्ट क्या है, 2 है, और डेसिमल के बाद का पार्ट क्या है, 0.5, तो हमारा आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। अगर हम नेगेटिव डिवीजन कर रहे हैं तो -5/2, तो हमारा कोसेंट यहाँ पे 2 -2.5 होगा, तो यहाँ पे हमें -2 की जगह क्या होगा मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ये हमने जब प्रैक्टिकल किया था तभी हमने देखा था। नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज फॉर टू टू कंपेयर द टू ऑपरेंड्स और टू एक्सप्रेशंस, और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इधर ट्रू मिलता है और इधर फॉल्स मिलता है। तो वहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। पाइथन हैज द फॉलोइंग 3 बेसिक ऑपरेटर्स, मतलब यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल कंडीशन, और उसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स मिल रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और द नॉट ऑपरेटर। अब वन बाय वन हम इसके फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं। एंड ऑपरेटर मीनिंग क्या है इसका, लॉजिकल एंड। यहाँ पे हमारे पास टू एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 एंड द एक्सप्रेशन 2, और हम बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एंड। अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो क्या है 4 < 5, तो क्या है ये ट्रू है, तो क्या हाँ ट्रू है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 4 > 2, तो ये क्या ट्रू है, तो ठीक है ट्रू है। तो हमें आउटपुट में दोनों ट्रू मिल रही है, तो आउटपुट हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। लेकिन जब भी कोई एक यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, जैसे कि यहाँ पे हम कह देते हैं
फोर लेस देन टू, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ मैं आउटपुट हमें टू की जगह क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। और ऑपरेटर्स इज और ऑपरेटर, इसका मीनिंग क्या है, लॉजिकल और, यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, सो यहाँ पे आएगा और, एंड की जगह यहाँ पे और आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर ग्रेटर देन फाइव, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फोर ग्रेटर देन फाइव है, ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। फोर ग्रेटर देन टू है तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको मेन ये चीज ध्यान रखनी है, एंड और ऑपरेटर के बीच में इंडिविजुअल्स कैसे एक्सप्रेशन चेक होती है, और तो एंड और के बेसिक फंक्शंस डिटेल्स में हम इसके बाद देखते हैं, जिनसे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि एंड और ऑपरेटर्स कैसे फंक्शंस करते हैं एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन वाइज, नॉट लॉजिकली नॉट। मतलब यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉट फोर ग्रेटर देन टू, तो टू फोर से बड़ा है, नहीं है, मतलब फोर आपका टू से बड़ा है, तो आउटपुट हमें, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ये सारे ऑपरेटर्स और इसके टेबल्स हम वन बाय वन देखते हैं, जिनसे आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स आपको काम यूजफुल नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये सारे ऑपरेटर्स ही है जिनसे आपके प्रोग्रामिंग कोड की लेंथ आप छोटी कर पाओगे और शॉर्ट कर पाओगे, और ये सारे ऑपरेटर्स ही आपके कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रामिंग में यूजफुल होते हैं। तो ये सारे वीडियोस बिना कोई स्किप किए और बार बार देखते रहिएगा, जिनसे आपके सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो जाए और आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग ठीक से कर पाए। तो अब हम वन बाय वन ऑपरेटर्स देखते हैं, एंड ऑपरेटर्स, उसके बाद हम और ऑपरेटर्स देखते हैं, और उसके बाद हम नॉट ऑपरेटर्स देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज द लॉजिकली एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमने ऑपरेंड वन, मतलब हमारे एक्सप्रेशन वन है, ये हमारी एक्सप्रेशन टू है, ऑपरेंड टू मतलब, और हमारा रिजल्ट है, मतलब हम दोनों के बीच में, अगर आपकी एक्सप्रेशन वन ट्रू है और एक्सप्रेशन टू ट्रू है, और बीच दोनों के बीच में आप एंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो हम आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ट्रू, आपका एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे अगर ये फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, फॉल्स हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो एंड ऑपरेटर में जब भी दोनों ऑपरेटर ट्रू हो तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिलता है, अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, फेल्स मिल जाएगा। और ऑपरेटर्स में इनसे जस्ट उल्टा होता है, और जब हम और ऑपरेटर देखेंगे तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। नाउ इन चार कंडीशन के अलावा दो अलग कंडीशन है जो भी आपको देखनी है, ट्रू और एक्सप्रेशन, मतलब जब भी आपकी एक्सप्रेशन वन ट्रू है और दूसरे ऑपरेंड में आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो, मतलब कोई कंडीशन नहीं दे रहे हो, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो सेकंड आपका है। अगर फॉल्स फर्स्ट ऑपरेंड है और फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है और सेकंड एक्सप्रेशन है, तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, फेल्स मिल जाएगा। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये सब कैसे होता है, उसके लिए हम
तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन आईडीएली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर दैट ओपन द पाइथन आईडीएली। और बच्चों ऑलवेज प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना, जिनसे आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी रहेगा नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिकल्स ही है कोई चीज़ सीखने के लिए। तो अब हम एंड ऑपरेटर की पहली कंडीशन, मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, ये हम चेक करते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के साथ डील करते हैं, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेके चेक करते हैं। एक इक्वल टू, यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, बी में मैं 2 स्टोर कर रहा हूँ, और 3 के अंदर में, सॉरी सी के अंदर में 3 स्टोर कर रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन, मतलब कि दोनों ट्रू है तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू। तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो आउटपुट क्या नाम मिलना चाहिए, यहाँ पे हमारा ए क्या है, 5 है, बी क्या है, 2 है, तो ए बी से बड़ा है, यस बड़ा है, ए ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा ए क्या है, 5 है, सी ए ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, 5 है, सी हमारा क्या है, 3 है, तो ग्रेटर देन है, यस ग्रेटर देन है, तो हमारे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। तो अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर एक ट्रू हो और दूसरा अगर फॉल्स हो तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट चेक करते हैं प्रिंट, अब हम पहले में ए ग्रेटर देन बी कर रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रू रख रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन बी। एंड ए लेस देन सी कर देते हैं, मतलब हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। तो अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। इन थर्ड कंडीशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज अवर फेल्स एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ए ग्रेटर देन सी कर देते हैं, मतलब हमारी जो सेकंड एक्सप्रेशन है क्या हम कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स कर दिया है और सेकंड एक्सप्रेशन हमने ट्रू रखा है, तो फॉल्स एंड ट्रू आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए, तो आउटपुट विल गेट द फॉल्स इन द फोर्थ। तो अब हम फोर्थ कंडीशन में दोनों कंडीशन क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट चार कंडीशन हमने, तो
तो अब हम फिफ्थ और सिक्स कंडीशन देते हैं। फिफ्थ कंडीशन में क्या है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड में हम कोई कंडीशन की जगह कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। और अगर हम फर्स्ट कंडीशन फॉल्स दे रहे हैं और आउटपुट में हम और सेकंड एक्सप्रेशन हम सेकंड कंडीशन में अब हम कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम प्रिंट फर्स्ट कंडीशन को हम ट्रू रखते हैं, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। एंड हम अब यहाँ पे कंडीशन देने की जगह कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। नाउ वी चेक क्या आउटपुट आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन एक्सप्रेशन है, तो फॉर ट्रू एंड एक्सप्रेशन क्या मिलना चाहिए, हमें एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। तो सी यहाँ पे क्या था, थ्री, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, थ्री। अब सिक्स कंडीशन ये थी, अगर हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं लेकिन वो फॉल्स है, एंड कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे एंड ऑपरेटर थे। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज है, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रू एंड एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, रिजल्ट विल बी द अवर ऑलवेज एक्सप्रेशन टू। मतलब अगर यहाँ पे हम कोई कंडीशन दे रहे हैं ए ग्रेटर देन बी एंड एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन रख रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन में भी लास्ट टू है, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं मल्टीपल, यहाँ पे हम एक से ज्यादा भी एक्सप्रेशन रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टू एक्सप्रेशन रखे हैं, एंड एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन टू। तो यहाँ पे राइट मोस्ट जो एक्सप्रेशन है, अगर आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो आपको आउटपुट में जो राइट एक्सप्रेशन है वो एज ए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप फॉल्स लग रहे हो, अगर यहाँ पे आप फॉल्स कंडीशन रख रहे हो, तो आउटपुट में आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो अब ये देखने की हम कोशिश करते हैं। अब हम प्रिंट ट्रू एक्सप्रेशन देते हैं, ए ग्रेटर देन सी एंड सी एंड बी, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें बी की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि टू है। और अगर हम प्रिंट फर्स्ट कंडीशन क्या रख रहे हैं, फेल्स रख रहे हैं, मतलब ए लेस देन सी कर देते हैं एंड सी एंड बी, तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो ये था हमारा लॉजिकली एंड ऑपरेटर्स। अब हम लॉजिकली और ऑपरेटर देखने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली और ऑपरेटर्स, लॉजिक एंड ऑपरेटर में क्या था, अगर आपकी दो कंडीशन ट्रू है तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी आपकी एक एक्सप्रेशन ट्रू है, मतलब कि इधर ऑपरेंड वन है ट्रू है और इधर ऑपरेंड टू ऑपरेंड है ट्रू है और इधर दोनों ट्रू है, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, और अगर अदरवाइज आपको फॉल्स मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है और ऑपरेशन आप दे रहे हो, तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, जबकि एंड ऑपरेटर में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था,
एक्सप्रेशन मिल रहा था, और फॉल्स कंडीशन के साथ आपको क्या मिल रहा था, फॉल्स मिल रहा था, जबकि यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है। एंड अगर आप ट्रू एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू दे रहे हैं तो रिजल्ट विल बी द आपको ट्रू मिल जाएगा, और अगर फेल्स और एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू देंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे एक्सप्रेशन वन मिल जाएगा, जबकि एंड ऑपरेटर में क्या मिल जाता, मिल रहा था राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो आप दे रहे थे वो मिल रहा था, जबकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है वो एज ए आउटपुट विथ फॉल्स कंडीशन मिलेगा। तो अब इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। तो इसके लिए अगेन वी यूज द पाइथन आइडियली। तो फर्स्ट वी टेक द वेरिएबल, तो जैसे कि हमने एन ऑपरेटर में वेरिएबल के साथ देखा था, यहाँ पे और ऑपरेटर हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन करके भी यूज देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट फाइ ग्रेटर देन टू और 3 ग्रेटर देन 2, दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब 5 ग्रेटर देन 2 है तो हाँ ट्रू है, बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2 तो हाँ ये भी बड़ा है, तो मतलब दोनों एक्सप्रेशन हमारे और दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर और ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो और ऑपरेटर में कोई भी एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे और 3 लेस देन 2, मतलब सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स है, तो अभी आउटपुट क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाना हम भूल गए थे, तो प्रिंट 5 ग्रेटर देन 2 और 3 लेस देन 2, आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है, जबकि हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या आउटपुट में मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन 5 लेस देन 2 है, नहीं गलत है, 3 लेस देन 2 है, नहीं गलत है, तो दोनों कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ये सारी चीज़ हम वेरिएबल लेके भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, एंड सी इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं। सेम थिंग हम वापस चेक करते हैं, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। प्रिंट ए ग्रेटर देन बी और दूसरी कंडीशन हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए लेस देन सी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, जबकि एंड ऑपरेटर में क्या मिल रहा था, फॉल्स मिल रहा था। प्रिंट ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन सी, मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू। अब हम दोनों कंडीशन अब हम फॉल्स रख रहे हैं, तो ए लेस देन बी और ए लेस देन सी, यहाँ पे दोनों फॉल्स कंडीशन है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। अब हम एक्सप्रेशन के साथ भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी
और एक्सप्रेशन हम सी दे रहे तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि सी हमारा की। तो आओ यस, यहाँ पे तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, प्रिंट ए लेस देन बी कर देते हैं, और एक्सप्रेशन रख रहे तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें एक्सप्रेशन मिलना चाहिए टू, जबकि सी की वैल्यू टू है। सेम अगर हम मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं तो क्या होता है, चेक कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी और बी और सी, तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, टू, जो कि क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही हमें ऑलवेज मिलते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशन यूज कर रहे हैं एज ए फॉल्स कंडीशन, ए लेस देन बी, और मल्टीपल एक्सप्रेशन दे रहे हैं बी और सी, तो एंड में क्या मिल रहा था हमें, लास्ट राइट राइट मोस्ट लास्ट की वैल्यू मिल रही थी, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो मिलना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि क्या थी, थ्री थी। तो ये था हमारा लॉजिकली और ऑपरेटर। मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट मी, सो आई कैन रिप्लाई यू ऑन द कॉमेंट एंड आई कैन एबल टू सोल्व योर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट ऑपरेटर, लॉजिकली नॉट ऑपरेटर। बहुत ही छोटा सा और सिंपल ऑपरेटर है। अगर हमारी एक कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट में हमें क्या दे देगी, जस्ट उसका रिवर्स, मतलब ट्रू दे देगी। अगर हमारी इनपुट कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिल जाएगी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा ऑपरेटर है। चलो इसको भी हम पाइथन आईडीएलई में देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को पाइथन आईडीएलई में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए अगेन हम पाइथन आईडीएलई यूज करेंगे। आईडीएलई तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल लेके देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन टू 5। तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेके देखते हैं, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 लेते हैं और ट्राई करके देखने की, तो नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, फॉल्स मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, टू मिलना चाहिए। तो नॉट ए इज लेस देन बी, तो टू। तो दोस्तों ये आज ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स था। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। सो तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा। अगर अभी तक आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकूं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आने वाले वीडियो लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।